श्री राधारमन इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेलकम टू श्री राधारमन इंस्टीट्यूट तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमोशन मिक्स अब ये जो चैप्टर है ये बेसिकली मार्केटिंग के ऊपर में है मतलब एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस जब एक कंपनी में बन जाता है तो उसके बन जाने के बाद वो कंपनी क्या कुछ करती है उसको मार्केट में बेचने के लिए वो सब कुछ हम इसमें जानने वाले है तो हमने जो है मार्केटिंग के फोर पीज में से थ्री पीज को पढ़ लिया है अपने प्रीवियस वीडियोज में जो कि है प्रोडक्ट मिक्स प्राइस मिक्स प्लेस मिक्स आज हम लास्ट पी को पढ़ने वाले हैं जो कि है प्रमोशन मिक्स तो प्रमोशन मिक्स को जानने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपने तीनों पीज के बारे में तो जो पहला पी है प्रोडक्ट मिक्स इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो सामान मार्केट में रिलीज़ होने वाला है उस सामान से रिलेटेड जो कुछ भी हमें जानना जरूरी है वो सब कुछ हम लोग प्रोडक्ट मिक्स के अंदर में जानते हैं फिर इसके बाद आता है प्राइस मिक्स मतलब एक चीज को कितने दाम पे बेचा जाएगा उसके दाम पे रिस्पेक्ट में जो कुछ भी हमें जानना चाहिए वो हम प्राइस मिक्स में जानते हैं एंड उसके बाद आता है प्लेस मिक्स की किसी चीज को पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक ले जाने में जो कुछ भी करना पड़ता है वो सब प्लेस मिक्स के अंदर में आता है तो अब हम लास्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है प्रमोशन मिक्स तो अब प्रमोशन मिक्स क्या होता है प्रमोशन मिक्स रिफर्स टू द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रमोशनल

वो भी रेडी हो गया है उसके बाद उसको किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा जिससे कि उस चीज़ का मैक्सिमम सेल्स हो एंड वो जो कंपनी जिसने उसे बनाया है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो वो सब कुछ हम लोग प्रमोशन मिक्स के अंदर में जानते हैं ये एक तरीके का मार्केटिंग अप्रोच होता है जिससे कि कंपनी कम से कम एफर्ट्स में अपने द्वारा बनाए गए ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बेचना चाहती है ये प्रमोशन मिक्स के अंदर में आता है तो प्रमोशन मिक्स कुछ नहीं है इट इज सेट ऑफ ऑल इन ऑर्डर टू हैव इट्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रमोटेड इन द मार्केट मतलब वो जो कुछ भी करती है अपने सामान को मार्केट में बेचने के लिए जिससे कि उसका मैक्सिमम सेल्स हो सके विथ मिनिमम एफर्ट वही प्रमोशन मिक्स कहलाता है उसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स मतलब कि प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं अब बिजनेस फॉर्म कैन यूटिलाइज वन और मोर ऑफ फोर बेसिक टूल्स ऑफ प्रमोशन पर्सनल सेलिंग एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी दीज टूल्स आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स तो क्या होता है कि किसी भी चीज को मार्केट में प्रमोट करने के लिए मेनली चार चीजें होती हैं जिनको यूज किया जाता है फर्स्ट है पर्सनल सेलिंग दूसरा है एडवर्टाइजिंग तीसरा है सेल्स प्रमोशन चौथा है पब्लिसिटी तो जब हम इन सबको साथ में लेते हैं तो इन सबको बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स मतलब ये सब प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट्स है इन सबसे ही प्रमोशन मिक्स होता है सो बिजनेस फार्म कैन यूटिलाइज वन और मोर ऑफ फोर बेसिक टूल्स ऑफ प्रमोशन पर्सनल सेलिंग एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी दीज टूल्स आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स तो एक बिजनेस फार्म जो है वो इन चारों टूल्स में से किसी एक टूल का इस्तेमाल या फिर उससे ज्यादा टूल का इस्तेमाल कर सकता है अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए एंड उसे ही हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स फिर इसके बाद आता है सबसे पहला एलिमेंट जो कि है एडवर्टाइजिंग नाउ एडवर्टाइजिंग इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंजूमर्स एडवरटाइजिंग इज ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन विदर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस एडवरटाइजमेंट हुई टू इन्फॉर्म और इन्फ्लुस एडवर्टाइजिंग क्या है एडवर्टाइजिंग एक तरीके का कम्युनिकेशन है जो की प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में होता है जो कि किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस का प्रमोशन करता है जो की हम बहुत तरीकों से देखते हैं जैसे हमारे इलाके में बैनर लगे होते हैं जैसे हमारे टीवी पे एड्स आते हैं फोन में एड्स आते हैं एप्स में एड्स आते हैं तो ये सब कुछ एडवर्टाइजिंग है एंड ये करवाता कौन है ये एक प्रोड्यूसर थ्रू एंड एडवरटाइजिंग एजेंट इसको करवाता है जिसके लिए वो पैसा देता है एंड इसका मेन एम क्या होता है कि ये अपने ऑडियंस जो कि उन चीज़ों को खरीद सकते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना कि ये सामान या फिर ये सर्विस अभी मार्केट में अवेलेबल है सो एडवर्टाइजमेंट्स आर मैसेजेस पेड फॉर दोज हु सेंड दैम जो इनको भेजते हैं जो कि है इसके प्रोड्यूसर्स एंड आर इंटेंडेड टू इन्फॉर्म और इन्फ्लुएंस पीपल हू रिसी मैं जो इन्हें रिसीव करते हैं मतलब जो कंज्यूमर्स हैं उनको इन्फॉर्म करने के लिए यह होता है कि हमारे पास ये सामान है तो वॉट इज एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग इज अ मीन्स ऑफ प्रमोशन इन विच द प्रोड्यूसर्स पे एंड एडवरटाइजिंग एजेंट अटेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द मार्केट सो एडवर्टाइजिंग क्या है एडवर्टाइजिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें कि एक प्रोड्यूसर अपने सामान या फिर सर्विस को प्रमोट करने के लिए किसी एडवर्टाइजिंग एजेंट को पैसा देता है एंड वो एडवर्टाइजिंग एजेंट अपने प्रमोशन के तरीकों से उन्हें कंज्यूमर को बोलता है नाउ इन सिंपल वर्ड्स इट इज प्रेजेंटेशन ऑफ अटन गुड और सर्विस बिफोर द कंज्यूमर बाय द प्रोडर्स इन ऑर्डर टू परसुएट द कंज्यूमर टू बाई दर्टिकुलर गुड और सर्विस तो सिंपल वर्ड्स में ये एक प्रेजेंटेशन है सर्टेन गुड्स या फिर सर्विसेस का जो कि कंज्यूमर के सामने प्रोड्यूसर्स के द्वारा होता है ताकि वो कंज्यूमर्स को राज़ी किया जा सके किसी चीज को खरीदने के लिए फिर इसके बाद आता है फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग पहला है पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन द एडवर्टाइजर हैज टू पे टू द एडवर्टाइजिंग मीडिया इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट द मैसेज टू कस्टमर्स तो पहला है पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ये एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है ये कोई वॉलेंटरी या फिर अनपेड फॉर्म नहीं है इसमें पैसा देना पड़ता है वो जो प्रोड्यूसर है वो उस एडवर्टाइजिंग एजेंट को पैसा देता है ताकि वो एडवर्टाइजिंग एजेंट उसका गुड या फिर सर्विस का मार्केट में एडवर्टाइजमेंट कर सके फिर उसके बाद अ नो पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन एडवर्टाइजिंग इज अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन बिकॉज देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द एडवर्टाइजर्स एंड द कस्टमर्स तो ये एडवर्टाइजिंग जो होता है ये एक नॉन पर्सनल फॉर्म है मतलब इसमें कंज्यूमर्स एंड जो कि एडवर्टाइजर्स दे रहे हैं मतलब जिनको ये एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है एंड जो कि वो एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं उनके बीच में कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता है ये एक इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है जो कि या तो किसी भी मास मीडिया के फॉर्म के थ्रू हो सकता है या फिर टी वी में हो सकता है कि एड्स हो या फिर रेडियो में एड्स हो न्यूज़पेपर में एड्स हो होर्डिंग्स लगे हुए हो यूट्यूब पे एड्स हो मोबाइल फोन में एड्स हो ऐप्स में एड्स हो किसी भी तरीके से एक प्रोड्यूसर अपने सामान को कंज्यूमर तक नोन पहुंचा सकता है लेकिन उसके लिए उसे पैसा देना होगा लेकिन उसमें उसे किसी भी तरीके का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं मिलने वाला है विद द कंज्यूमर्स उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं मिलेगा फिर इसके बाद आता है फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन द एडवर्टाइजमेंट कैन रीच टू अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन साइमल्टेनियसली तो अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये एक मास कम्युनिकेशन होता है मास कम्युनिकेशन मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें एक बहुत ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके तो एडवर्टाइजमेंट भी उसी तरीके का एक कम्युनिकेशन है जिसमें एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक बहुत ज्यादा लोगों तक एक साथ में पहुंच सकता है मतलब जब हम एक किसी भी एडवर्टाइजमेंट को करते हैं तो उससे सिर्फ हम एक दो या फिर चार पांच लोगों तक उसे नहीं पहुंचाने में सक्षम रहते हैं। हम उससे लाखों करोड़ों लोगों तक उसे पहुंचा सकते हैं तो यही एडवर्टाइजमेंट का तीसरा फीचर है कि वो एक मास कम्युनिकेशन का तरीका है मतलब इसमें जो है हम एक बहुत बड़े ऑडियंस के पास अपना सामान को पहुंचा सकते हैं इसके बाद आता है स्पीडी प्रोसेस एडवर्टाइजिंग इज अ स्पीडी प्रोसेस थ्रू एडवर्टाइजमेंट द प्रोड्यूसर्स कैन लिस्ट टू अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेरी फास्ट अब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने कंज्यूमर्स के पास जाएं उनको बोलें कि हमारे पास ये सामान है तो क्योंकि एडवरटाइजिंग के जरिए वो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं तो इनसे जो है ये उनका जो प्रमोट करने का तरीका है उसमें स्पीड हो जाता है पहले क्या था कि जब एडवर्टाइजमेंट उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ करता था उतना ज़्यादा ये कारगर नहीं हुआ करता था तो उस टाइम इसका रीच सिर्फ कुछ ही ऑडियंस तक हुआ करता था लेकिन जैसे ही समय के साथ टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया है उसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट ने अब जो है एक बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले लिया है जिसमें कि हम आप अपने सामान को बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा सामान जो है वो बहुत स्पीड में किसी के पास जाता है उसमें किसी भी तरीके का रुकावट उतना जल्दी नहीं आता है क्योंकि हम अगर अपने टीवी पे ही ऐड चला ले तो टीवी पे जितने भी लोग उसे देखेंगे उन सबके पास हमारे सामान

कंपनी जो कि एड्स करती है फिर उसके बाद जब यूट्यूब पे या फिर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या फिर जो दूसरे एप्स होते हैं उनमें गूगल एड्स को यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू डू द एडवर्टाइजमेंट तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक ऐसे आदमी के द्वारा किया जाता है या फिर एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक ऐसे सिस्टम के साथ किया जाता है जिसको मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ़ एडवर्टाइजिंग अब एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ़ एडवर्टाइजिंग इज टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट फॉर इट अमंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स तो पहला क्या है कि किसी भी सामान को इंट्रोड्यूस करने का पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है इसमें एंड ये हम जानते ही हैं कि एडवर्टाइजिंग का मेन एम ही है कि कोई अगर नया सामान मार्केट में रिलीज हुआ है तो उसके बारे में अपने कंज्यूमर को बोलना टू टेल द कंज्यूमर अबाउट विच गुड्स है रिलीज इन द मार्केट इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग एडवरटाइजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि जो सामान मार्केट में अभी अभी रिलीज हुआ है उनके बारे में अपने कंज्यूमर को बोलना फिर इसके बाद है क्रिएटिंग इमेज ऑफ अ प्रोडक्ट एडवरटाइजिंग ऑल्सो एम्स एट क्रिएटिंग अ फेवरेबल इमेज ऑफ द फॉर्म एंड इट्स प्रोडक्ट अमंग द जनरल पब्लिक अब अभी कबार क्या हो जाता है कि कुछ रीजंस की वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी बिजनेस फॉर्म का जो इमेज है वो मार्केट में डाउन हो जाता है या फिर एक नेगेटिव इमेज उसका मार्केट में बन जाता है तो उस नेगेटिव इमेज को सुधारने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट का हेल्प लिया जा सकता है सो एडवर्टाइजिंग कैन हेल्प इन क्रिएटिंग अ गुड इमेज ऑफ द फॉर्म अगर उस फॉर्म का इमेज बहुत खराब है मार्केट में तो एडवर्टाइजिंग के जरिए उस इमेज को सुधारा जा सकता है फॉर एग्जाम्पल जब मैगी को बैन कर दिया गया था इंडिया में तो उसके बाद जब मैगी वापस से मार्केट में आई तो उसके लिए बहुत मुश्किल था फिर से वही अपना वर्चस्व लेने के लिए लेकिन थ्रू एडवर्टाइजिंग धीरे धीरे कर कर के उसने अपने कंज्यूमर्स को बोल दिया कि नहीं आप मैगी को फिर से उसी तरीके से खाइए इसमें किसी भी तरीके का हार्मफुल चीज़ नहीं है सो एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ न्यू इमेज एंड अ वेरी गुड इमेज ऑफ द बिजनेस फॉर्म इसके बाद आता है अवेयरनेस क्रिएशन बिसाइड्स प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट एंड क्रिएटिंग इट्स इमेज एडवर्टाइजिंग आल्सो एम्स एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आर रन इन ऑर्डर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ डिफरेंट थिंग्स एग्जांपल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स यूज एडवर्टाइजिंग इन ऑर्डर टू मेक कंज्यूमर्स अवेयर ऑफ द पॉलिसीज विच द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड तो पहला क्या है कि एडवर्टाइजिंग को सिर्फ हम लोग किसी किसी नए सामान को इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं करते हैं ना नहीं उसे सिर्फ हम किसी चीज का इमेज को सुधारने के लिए करते हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि हम अपने कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए भी करते हैं मतलब मार्केट में बहुत कुछ अनफेयर है तो मार्केट में बहुत कुछ फेयर है तो उन सबसे एक कंज्यूमर को नोन बनाने के लिए उन सबसे एक कंज्यूमर को जागरूक करने के लिए अवेयरनेस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है सो इट इज वेरी नेसेसरी क्रिएटेड अब ये अब इसको हम किस तरीके से समझे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जब कोविड पूरा फैलने लगा था तो उस टाइम पे इट वॉज वेरी नेसेसरी फॉर बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू तो डू एडवर्टाइजिंग इन ऑर्डर टू तो मेक पीपल अवेयर कि वो किस तरीके से कोविड से बचे हुए रह सकते हैं इट वॉज़ वेरी नेसेसरी अगर वो ऐसा नहीं करते तो मतलब अभी जो हमारे देश की हालत है कोविड को लेके उससे बहुत ज़्यादा खराब हो सकती थी सो एडवर्टाइजिंग का एम सिर्फ सामान को बेचना या फिर किसी भी चीज़ को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना नहीं होता है इसका एक दूसरा एम भी है कि वो किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस जागरूक करना होता है फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जैसे आर का हो गया जिसमें आर बोलती है कि जानकार भनिए सुरक्षित रहिए फिर उसके बाद जागो ग्राहक जागो हो गया फिर एल के जो प्रीमियम्स होते हैं तो ये सब क्या yeah, है ये सब कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए है कि इन सबको किस चीज से दूर रहना चाहिए एंड किस चीज के पास रहना चाहिए सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन सब के अंदर में अवेयरनेस हो फिर है वार्निंग कस्टमर्स एडवर्टाइजिंग आल्सो एम्स एट वार्निंग कस्टमर्स अगेन्ट लिमिटेशंस और स्प्यूरियस प्रोडक्ट्स अब हम जानते ही हैं कि जब कोई बड़ी फॉर्म किसी चीज़ को बनाती है तो बहुत सारे ऐसे नकली फॉर्म्स होते हैं जो कि उससे मिलता जुलता सामान मार्केट में उतार देते हैं जब टाटा का सॉल्ट मार्केट में उतरता है तो उसके साथ उस ठीक उसी पैकेट में उसी जैसा दिखने वाला हालांकि उसका थोड़ा बहुत अल्फाबेट्स इधर उधर कर दिया जाता है लेकिन फिर भी उसको मार्केट में उतार दिया जाता है तो जो पढ़े लिखे हैं जिनको नॉलेज है कि हाँ ये ओरिजिनल टाटा है एंड ये नकली टाटा है उन सबको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जो नहीं जानते हैं कि कौन सा ओरिजिनल टाटा है कौन सा नकली टाटा है सो उनके साथ ये जागती हो रही है ही दे आर बींग डिप्राइव्ड ऑफ द गुड विच दे वॉन्ट सो ये जो एडवर्टाइजिंग होता है ये कंज्यूमर को वार्निंग के लिए भी एक काम आता है कि कंज्यूमर को नकली सामानों से दूर रहना चाहिए उन सबसे नकली सामानों से दूर रहने के लिए भी कस्टमर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एडवर्टाइजिंग इज़ डन इन ऑर्डर टू मेक द कंज्यूमर्स अवेयर कि कौन से सामान मार्केट में असली हैं कौन से सामान मार्केट में नकली है कौन से सामान के पास कंज्यूमर्स को जाना चाहिए कौन से कौन से सामान के पास कंज्यूमर्स को नहीं जाना चाहिए फिर इसके बाद एजुकेटिंग कस्टमर्स एडवर्टाइजिंग ऑल्सो एम्स एट एजुकेटिंग कस्टमर्स अबाउट द वेरियस यूजेज ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल जब आधार कार्ड रिलीज हुआ था तो आधार कार्ड का जब एड्रेस चेंज करने का टाइम आया था तो बहुत लोगों को उसमें कन्फ्यूजन हो रही थी तो वॉट द गवर्नमेंट डेट की गवर्नमेंट ने बहुत सारे एड्स चलाए जिसमें उसने बताया कि किस तरीके से आधार कार्ड पे जिसमें उसने बताया कि इन विच वे कैन द आधार कार्ड एड्रेस बी अपडेटेड तो ये क्या होता है ये एक तरीका है जिससे कि हम अपने कंज्यूमर को बोल सकते हैं कि उन्हें किसी कि उन्हें किसी सामान को किस तरीके से यूज करना चाहिए तो एजुकेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एडवर्टाइजिंग फिर है सेल्स प्रमोशन सेल्स प्रमोशन रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज अदर देन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग दैट स्टूलेट्स कंज्यूमर परचेजिंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस इट इंक्लूड्स एक्टिव activities like distribution of free sample premium or bonus offer free coupons price contents and demonstrations etc to तो sales promotion kya hota hai ki advertising and personal selling ko chhod ke जो कुछ भी एक्टिविटीज एक जो कुछ भी एक्टिविटीज एक प्रोड्यूसर किसी सामान को मार्केट में बेचने के लिए करती है वो सब के सब सेल्स प्रमोशन कहलाते हैं जो कि हम लोग खुद देखते हैं कि ये खरीदिए इसके साथ ये फ्री वो खरीदिए उसके साथ वो फ्री तो ये फ्री देना फ्री सैंपल्स देना तो इन्हीं सबको हम लोग सेल्स प्रमोशन बोलते हैं सो सेल्स प्रमोशन रिफर्स टू ऑल एक्टिविटीज अदर देन एंड प्रीमियम और बोनस ऑफर फ्री कूपन्स प्राइस कंटेंट्स डेमोन्स्ट्रेशं एक्सेट्रा तो सेल्स प्रमोशन इज द वे जिससे कि एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग को छोड़ के हम लोग अपने सामान को बेचते हैं एंड इसमें किस तरीके से सामान को बेचा जाता है इसमें सामान को बेचने के लिए फ्री सैम्पल्स फ्री कूपन्स इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है इसके बाद आता है फ़ीचर्स ऑफ सेल्स प्रमोशन की सेल्स प्रमोशन के फ़ीचर्स क्या क्या हैं पहला है नॉन रूटीन एंड नॉन रेकरिंग नेचर सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ विच आर नॉट ऑफ अ रूटीन एंड रेकरिंग नेचर तो सेल्स प्रमोशन जो होता है उसमें पहला क्या है कि वो उसमें वो एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि नॉन रेगुलर होते हैं मतलब सेल्स प्रमोशन को रोज़ नहीं या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे नहीं किया जाता है यहाँ पे सेल्स प्रमोशन जो होता है उसको फ्रीक्वेंटली किया जाता है उसको कभी कभार किया जाता है जैसे हम देखते हैं कि जो भी हम हमें फ्री मिलता है वो उसमें लिखा रहता है उस पैकेट पे भी कि लिमिटेड पीरियड ऑफर जब भी हम देखते हैं कि हमें किसी जूस के बोतल के ऊपर में मिलता है कि इतना रुपया पेटीएम का कैशबैक है या फिर इतना रुपया फ़ोनपे का कैशबैक है तो वो सब एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है कि इस पीरियड के लिए ही है वो हमेशा के लिए नहीं होता है सो सेल्स प्रमोशन हमेशा के लिए नहीं होता है एंड ये बहुत समय बाद या फिर अच्छे खासे समय बाद किया जाता है एंड ये तब किया जाता है जब उस चीज़ का सेल्स मार्केट में लो हो जाए सो सेल्स प्रमोशन हम हमेशा नहीं करते हैं इसको तभी किया जाता है जब सेल्स मार्केट में लो हो एंड जब सेल्स को बढ़ाना ज़रूरी हो फिर ए सप्लीमेंट्री एफर्ट सेल्स प्रमोशन इज ऐ समेंट्री एफर्ट टू एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग इट डज नॉट इंक्लूड एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन तो ये एक सप्लीमेंट्री एफर्ट है जो कि एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग या फिर जितने भी दूसरे तरीके हैं प्रमोशन के उन सब की जगह पे इसको, इसको इस्तेमाल किया जाता है जब कोई भी तरीका काम नहीं आता जब एडवर्टाइजिंग करके भी नहीं होता है पर्सनल सेलिंग करके भी नहीं होता है पब्लिसिटी करके भी नहीं होता है तो उस टाइम पे जो है हमें सेल्स प्रमोशन को करना होता है इसके बाद है इंक्लूड्स वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज़ सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज़ टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स सच एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फ्री सैंपल्स प्रीमियर और बोनस ऑफर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री कूपन्स एक्सेट्रा अब सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें बहुत सारे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को हम लोग साथ में करते हैं जिससे कि कंज्यूमर्स हमारे पास आ सके जैसे कि किसी चीज़ को फ्री में देना किसी चीज़ के लिए कूपन निकालना किसी चीज़ का प्रीमियम ऑफर देना तो ये सब कुछ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं जो कि इसमें किए जाते हैं फिर इसके बाद आता है यूनिवर्सल एक्टिविटीज इट इज अ यूनिवर्सल एक्टिविटी अडॉप्टेड बाय ऑल द सेल्स प्रमोशन जो है वो दुनिया के हर एक प्रोड्यूसर्स के द्वारा किया जाता है उसमें कोई भी डिपेंडेंट नहीं है कि हाँ वो कहाँ का है वो क्या कर रहा है वो हर एक प्रोड्यूसर के लिए सेल्स प्रमोशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन आर एस फॉलो जनरेट डिमांड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन इज टू जनरेट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट बाय द कंज्यूमर थ्रू अ नॉन रेकनिंग प्रोसेस तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इसमें कंज्यूमर्स का डिमांड को क्रिएट करना है जिससे कि हम नॉन रिकरिंग प्रोसेस मतलब फ्री में सामान देके किसी भी चीज को उससे हम कंज्यूमर के अंदर में डिमांड जनरेट कर सकते हैं फिर इसके बाद है टू टू क्लियर क्लियर ओल्ड ओल्ड स्टॉक सेल्स प्रमोशन इन इन मेनी केसेस इज ऑर्डर स्टॉक्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट अब कभी कभार क्या होता है कि एक ही फॉर्म क्या करती है दो टाइप के सामान बनाती है तो एक सामान जो होता है वो मार्केट में बिक जाता है दूसरा सामान जो होता है वो मार्केट में नहीं बिकता है तो उस दूसरा सामान को फेंक तो नहीं सकते हैं बट उस दूसरे सामान को हम लोग मार्केटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको सेल्स प्रमोशन के जरिए किसी दूसरे चीज के साथ फ्री में दे के उसका इस्तेमाल हो सकता है उससे क्या होगा उससे हमारा प्रमोशन भी हो जाएगा एंड उससे जो है हमारा ओल्ड स्टॉक्स भी क्लियर हो जाएगा फिर इसके बाद आता है सप्लीमेंट अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज सेल्स सेल्स प्रमोशन इज द वे टू सप्लीमेंट अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज सच एज एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन अब एडवर्टाइजिंग की तरह सेल्स प्रमोशन भी एक सप्लीमेंट्री प्रोसेस है इसमें भी जो है हम एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी और पर्सनल सेलिंग के जगह पे इसको करते हैं फिर इसके बाद आता है इंक्रीज इमीडिएट सेल्स सेल्स प्रमोशन एम्स एट इंक्रीजिंग द इमीडिएट सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट तो सेल्स प्रमोशन जो है वो मतलब इमीडिएट सेल्स अभी के अभी सेल्स को बढ़ाने में उसका मेन एम रहता है कि हमें अभी के अभी सेल्स को बढ़ाना है सो सेल्स प्रमोशन एम्स एट इंक्रीजिंग द इमीडिएट सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट अभी के अभी सेल्स को हड़ाना है उसमें सेल्स प्रमोशन करता है। सो so हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए तो गैस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप ऐसे वीडियो और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को कर जरूर प्रेस कर लीजिए और अगर आपके कुछ भी डाउट्स क्वेरीज या फिर क्वेश्चन है उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा तब तो तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद